जोस बटलर ने सोशल मीडिया पर राजस्थान रॉयल्स से अपने सफर का अनुभव साझा किया और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके करियर के बेहतरीन साल रहे। आईपीएल के अगले मेगा ऑक्शन की तारीखें 24 और 25 नवंबर तय की गई हैं। यह नीलामी सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होगी। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। 40 साल की उम्र में साहा रणजी ट्रॉफी के बाद सभी क्रिकेट फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व क्रिकेटर बासिल अली ने फ्री हैंड पर सवाल उठाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद गौतम गंभीर के प्रदर्शन पर बीसीसीआई नाखुश है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका प्रदर्शन देखा जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हार के बाद भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया है। बीसीसीआई सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य पर विचार कर रहा है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में सभी मैच हारे। यह भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है कि टीम ने घर पर क्लीन स्वीप झेला। भारतीय क्रिकेट टीम 8 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेगी। कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में पहला मैच डरबन में होगा। सचिन तेंदुलकर ने भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ हार पर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता बताई। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की सराहना की। भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा है, जिससे डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो गया है।